यार। मेरा फोन मत छोड़ना बस। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सासु सिंह राजपूत और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करना, मुझे इग्नोर मत करना, मेरी गलतियों को इग्नोर करना। तो गाइस, जैसा कि सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि उठ क्या चुके हैं, मैं सो ही नहीं रहा। मतलब ये हमेशा का है गाइस, मैं मतलब कि रात को जगते रहता हूँ, सुबह सोता हूँ। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, अभी दो घंटे बाद मेरा सोने का टाइम है। इसका रीजन है गाइस, रात को ये सब कोडिंग चलते रहता है मेरा, और फ्रीलांसर वर्क है और एफिलिएट मार्केटिंग है, ये सब है। कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन चल रहा है तो इसे इग्नोर मारिए। और रात को क्यों काम करता हूँ, दिन में क्यों नहीं करता हूँ, इसका भी रीजन है, तो ये कभी और बताया जाएगा। तो गाइस, ये मेरा गांव है गहमर, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव, और इसे आर्मी विलेज भी कहा जाता है, फौजियों का गांव कहते हैं इसे। तो गाइस, इसे मैं दो कई पार्टों में डिवाइड करता हूँ, मेरा गांव बहुत बड़ा है। गाइस, ये मेरा रूम है जो आपको बहुत साफ सुथरा दिख रहा होगा, वो अभी दिख रहा है क्योंकि ब्लॉग बनाना रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत साफ किया है, नहीं तो ऐसे रहता नहीं है कभी। आपसे कैसे बना ये चद्दर वहाँ पे रहेगा ये तो पूछो मत यार, कभी और दिखाऊंगा आपको अपना रियल रूम मेरा कैसा रहता है। ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने छत पर, ये मेरा छत है और ये मेरे गाँव की एक झलक, छत भी बड़ा है मेरा वैसे तो। ये मेरे गांव का भी एक मोहल्ला बनी है गाइस, जहाँ तक दिख रहा है ये मोहल्ला बनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा गांव बहुत बड़ा है, इतू सा नहीं है, इतू सा तो ये तो मोहल्ला भी इतू सा है, अभी इतना बड़ा है, मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ मोहल्ला। अब आप ही सोचिए, जब मैं एशिया महादेव के सबसे बड़े गाँव की बात कर रहा हूँ तो मोहल्ला छोटा थोड़ा होगा, मोहल्लों से बन के तो गाँव बनता है ना भाई। और मेरे गाँव में पट्टी चलता है, यहाँ पट्टी मतलब शायद मोहल्ला होता है पट्टी, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा रहा नहीं हूँ, ठीक है, तो जिसने नॉलेज है उससे पूछ के बताऊँगा आपको, और इसी वीडियो में बता दूँगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मठिया, मठिया मतलब देसी जिम, जो गंगा नदी के किनारे है और वो बहुत ही पवित्र जगह है, सब पवित्र मानते हैं उस जगह को। तो अभी ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगा, मेरे में गलती है, मतलब उस चीज़ को मैं जब वहाँ दिखाऊँगा आपको तो ही बताऊँगा मठिया क्या है और वहाँ पर क्या होता है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, और लोग एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर। तो मैं किसी पार्टनर को पकड़ता हूँ तो फिर चलते हैं वहाँ। गाड़ी को उड़ाते हुए उड़ा दे, बीच में चरचकवा है इसको भी उड़ा देते हैं, बता लेते हैं इसको। ब्रेकर ब्रेकर बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा स्कूल है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। नाम पढ़ क्या है, नाम क्या? सुभाष चंद्र बोस। देख सकते हैं यहाँ पर हो गया बाबा जाते हुए। गंगा नदी किनारे है, ये गंगा नदी दिख रहा होगा आपको, ये गंगा नदी है, ये मेरा भाई चंदन, और आप लोगों को अब दिखाते हैं पूरा मठिया कैसे। तो गाइस, ये यहाँ हम लोग आ चुके हैं ये मठिया में अपने, ये भगवान है, मतलब कि बहुत पूजनीय है यहाँ पे। ये जंप करने के लिए बना है चंदन, ये ना ये जंप करने के लिए बना है, मतलब ये यहाँ से आ रहे हैं तो लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से देखो वहाँ, मतलब किसी खोद देंगे और हो जाएगा। ये देसी जुगाड़ नंबर वंबर अपना जो करने के लिए ये पूरा है, यहाँ बीम खींचने वाला, चल बीम खींचते हैं। यह मेरा भाई अभी बीम खींचेगा, कितना बीम खींचे चंदन? 10।
बस हाँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गजब यार, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, अठारह उन्नीस, चंदन एक और नहीं, बहुत दिक्कत जा रहा है भाई को, बीस हो गया भाई को, हो गया भाई ने बीस मारा यार, भाई प्राउड हो रहा है तेरे, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, ये पूरा हम लोग बैठे गाइस, और वो पूरा रनिंग का बना हुआ है, वो पूरा ग्राउंड में कितना है, 1600 मीटर है ना भाई? हाँ सर, 1600 मीटर है पूरा, आर्मी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो लड़के जाना चाहते हैं आर्मी में, उसकी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर देख सकते हैं आंसू भाई भी आ चुके हैं ट्राई करने के लिए, इनको भारी चाहिए, चंदन मारा दस का एक दो तीन चार पांच छह आठ नौ बस एक और दस हो गया, या यहाँ पर आप आंसू भाई को देख सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा एप्स के लिए ना भाई, ये एप्स के लिए यहाँ फंसा के पाँव, और यहाँ से ऐसे करके मतलब वो नीचे से ऊपर होते हैं एप्स के लिए, एप्स वर्कआउट के लिए है, एप्स वर्कआउट के लिए, यहाँ सीन देख रहे हैं गाइस, वो पूरा गंगा नदी वहाँ पूरा दिख रहा है, ये पूरा एकदम, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो यहाँ मोर भी दिखता है ना भाई चंदन, मोर है मेरे गांव में, मेरे गांव में मोर हिरन फिर एक ये नीलगाय फिर घोड़ा देख होता है वो भी है, वो जंगली सुअर भरमार है यार हमारे गाँव में पूरा। तो गाइस ये पूरा मूवी यहाँ आए, ये पूरा पूसा पूसा मारने वाला है यार, वो वहाँ पे देख रहे हैं वो पानी की व्यवस्था है, वहाँ हैंडपम्प है, और ये रनिंग का है, ये हमारा गंगा नदी यहाँ दिखा रहे हैं भाई, तो चल के भी हमारी धन्नो खड़ी है गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा गंगा नदी, ये हमारी धन्नो, क्या पता अभी इसने मुझे धोखा दिया है ना चंदन, लेकिन बताया नहीं किस बात पे धोखा दिया है, ये हम नीचे जा रहे हैं गंगा नदी आपको दिखाते हैं भाई चंदन, यार मतलब इतना अच्छा मेरा गांव है ना, मेरे गांव में दो नदियां हैं, एक गंगा एक करमनासा ना भाई। तो गाइस आप लोगों को गंगा नदी दिखाते हैं यहाँ नीचे आके, भाई मेरे को तैरने और नदी बनता है ठीक है, गिरूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा सीधे, देख सकते हैं गाइस हमारे गांव गंगा नदी को कितना तेज बहाव है यार, हाँ ये हम लोग का गंगा नदी है, वो पूरा दूर दूर तक जब बाढ़ आता है ना तो ये पूरा डूब जाता है ना भाई, ये पूरा डूब जाता है पूरा, बाढ़ भी आता है मेरे गांव में, सूखा नहीं पड़ा है लेकिन बाढ़ आता है, वो सोच सके भाई, अगर आप लोग का लक अच्छा रहा ना तो ये मेरे गांव में यहाँ वो दिखता है सोस, मतलब यहाँ सोस बोलते हैं मीठे पानी की डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं है, दिख नहीं रहा है वो भी यार, बहुत तेज बहाव दे रहा है और बहुत रिस्क में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तैरना वरना आता नहीं है ठीक है, यहाँ पर दूर पे, और अगर मेरा फ़ोन गिर गया तो मैं इतना ही मन नहीं है फ़ोन निकालूंगा मैं ठीक है, पानी से डर लगता है भाई चंदन मेरे को, ये भाई बहुत बहादुर है तो जंप कर देगा ना भाई, तो
भाई यही मेरे अंदर कमजोरी है, पानी से मेरे को डर लगता है, अंदर क्या लगता है तैरते नहीं बनता तो डर ही लगेगा मेरे को ना। बहुत ही बहाव है यार, कितना अच्छा लग रहा है सुबह का मौसम है। हाँ भाई मछली उछली है। एक कहानी है इसका, फिर किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। मतलब कि एक बार बंसी पड़ा है ना, मछली मारे क्या यार तो जाएंगे। मेरा गांव यार बहुत सुंदर है सही में। अभी नाव वो दिखा देता आपको, नाव है ही नहीं यहाँ पे यार, मैं गिर जाऊंगा यार। तो गाइस जैसे आप इसे देख सकते हैं, इस जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टंट मारा जाता है। मेरे गांव में स्टंट मैन है कुछ लोग, कुछ लड़के हैं मेरे दोस्त ही है, लेकिन उन लोग अभी आए नहीं है इस टाइम। मेरे पास वो क्लिप पड़ा हुआ है, एक दिन मैं आया रहा तो मतलब मैंने रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा, इस भाई को बक्सर जाना है, बक्सर मतलब बिहार में एक जिला है तो वहाँ इसको थोड़ा काम है, तो चलते हैं। और अभी जाते वक्त थोड़ा सा और मठी आपको दिखा देंगे। तो भाई एक स्टंट मार देना, मतलब थोड़ा स्टंट सुनाता है ना, बस वीडियो का इंट्रो हो जाएगा अच्छा से एकदम। आओ तो ना सीखे तो बारे के ना रहे, सीखने आप आ रहे थे तो मेरे को कह रहे हैं। गर्म मुर्दा क्या उखाड़ते रहे भाई, ये गड़े मुर्दे उखा रहे हैं भाई, मैं सीखने आया तो वो बात पुराना हो गया ना। तो भाई कोई बात नहीं, मेरा भाई आज नहीं मारेगा, बंद मार देंगे। सीखे ये है तो मैं कैसे। नहीं 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 ये बेइज्जती मार दू, बेइज्जती कर रहा है, पूरा ब्लॉग में चल रहा है पूरा। तो गाइस अभी धंधों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे धंधों ने धोखा दिया है यार, उनको बताने लायक नहीं है क्या धोखा दिया है बीच रास्ते में। तो चलते हैं, आप चाबी की कर दी बात, बिन चाबी की स्टार्ट करके। तो गाइस आपने चाबी कभी देखा नहीं होगा, दिखा रहे हैं चाबी कहाँ गया है, कहाँ चाबी यार। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोगों को मैं मोर दिखा था, लेकिन यहाँ पे मोर कहीं दिख नहीं रहा है ना भाई, मोर उस तरफ दूसरे तरफ होंगे। फोन मत छोड़ना, बस फोन मत छोड़िए भाई, मेरा फोन चल जाएगा। जैसे कि हम, मैं यहाँ आ चुका हूँ घर अपने, और ये मेरे भाई लोग हैं। तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे ना? हाँ कर दो। और को करवा देगा गाँव में? बहुत बहुत करवा देगा। तो गाइस मैं अपने रूम में आ गया हूँ, और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, क्योंकि आप जानते हो मैं रात को जगता हूँ, दिन में सोता हूँ, यही सब कोडिंग वोडिंग के चक्कर में। तो आज मैंने आपको मठिया दिखाया, और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं दिखाया, क्योंकि मतलब सिर्फ दो ही लोग गए रहे हैं, मैं गया रहा हूँ, मेरे एक दोस्त गया रहा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो नेक्स्ट बार ना मैं सबको साथ में लेके जाऊँगा और एकदम अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए माफ़ करना। और एक और बात जो मैं बोल रहा था कि पट्टी किसे कहते हैं, एक वीडियो में पहले बोल रहा था कि मतलब कि मेरे गाँव में बहुत सारे पट्टी बोलते हैं, और मेरे गाँव में पट्टी चलता है यहाँ, पट्टी मतलब शायद मोहल्ला होता है पट्टी, तो पट्टी मोहल्ले को भी बोला जाता है, तो वही मोहल्ला पट्टी एक चीज़ है। तो भाई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, ठीक है, और नेक्स्ट बार अच्छे से मट्टी को दिखाऊंगा, आज मैं तो कुछ दिखा नहीं पाया भाई। और मेरे दो दोस्त को भी मतलब बक्सर जाना रहा तो वो चला गया मतलब कि, और मैं अकेले करने का मन नहीं रहा, तो भाई और मेरे को नींद भी लग रहा था, तो जा रहा हूँ सोने। सपोर्ट करना मैं गाइस, मतलब कल से मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से बनाऊँ, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो जाहिर सी बात है कि एडिटिंग अच्छी नहीं रहेगी और ना ही मेरा ब्लॉग अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ये तो बोलना हक है मेरा, तो आप करना ना करना आपको करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।